नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं आपके साथ अंकिता। भारतीय टीम ने धमाकेदार अंदाज में इंग्लैंड के खिलाफ 4-1 से सीरीज अपने नाम कर लिया है। टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजों और बल्लेबाजों ने कमाल का प्रदर्शन किया। पहली बार ऐसा हुआ कि टीम इंडिया ने 0-1 से पिछड़ने के बाद टेस्ट सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली है। इस सीरीज में विराट कोहली और मोहम्मद शमी जैसे अनुभवी प्लेयर्स भी नहीं खेल रहे थे, फिर भी युवा खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन किया और अंग्रेजों की टीम को धूल चटा दी। इस सीरीज के दौरान दोनों टीमों के बीच मैदान पर हुआ एक्शन जो जाहिर तौर पर चर्चा में रहा, लेकिन साथ ही ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया और इसी के कारण वो सुर्खियों में भी बने रहे। सीरीज जीत के बाद हेड कोच राहुल द्रविड़ ने पहली बार दोनों खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट और भविष्य को लेकर अपना जवाब दिया। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले टीम ने अपना नाम वापस लेने के बाद से ही युवा विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन की टीम इंडिया में वापसी नहीं हुई है। कोच राहुल द्रविड़ ने टेस्ट सीरीज से पहले ईशान किशन को संदेश दिया था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें और सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहें। ईशान ने ऐसा नहीं किया। वहीं श्रेयस अय्यर को टेस्ट सीरीज के दूसरे मैच के बाद ड्रॉप कर दिया गया था। फिर बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भी रणजी ट्रॉफी खेलने की हिदायत दी थी, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों ने ये बात नहीं मानी और फिर उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया गया। धर्मशाला टेस्ट मैच के तीसरे दिन ही जीत के बाद कोच राहुल द्रविड़ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर सवाल किया गया। भारतीय कोच ने साफ कह दिया है कि दोनों खिलाड़ी अभी भी टीम इंडिया की योजना का हिस्सा हैं। द्रविड़ ने कहा कि वो हमेशा स्कीम ऑफ थिंग्स का हिस्सा है और जो भी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा वो हमेशा ही टीम इंडिया का हिस्सा रहेगा। द्रविड़ ने फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पर हुए फैसले में अपनी भूमिका से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। कोच ने कहा कि किस खिलाड़ी को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ये फैसला वो नहीं लेते बल्कि बोर्ड और सिलेक्टर्स तय करते हैं। राहुल द्रविड़ ने तो ये भी कहा कि उन्हें कॉन्ट्रैक्ट बांटे जाने का पैमाना भी नहीं पता है। द्रविड़ ने बताया कि 15 खिलाड़ियों के स्क्वाड को सिलेक्ट करने पर उनकी राय ली जाती है और फिर कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर वो प्लेइंग 11 पर फैसला लेते हैं। भारतीय कोच ने यह भी साफ कर दिया है कि किसी खिलाड़ी का सिलेक्शन कॉन्ट्रैक्ट के होने या ना होने पर निर्भर नहीं करता। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने घर पर लगातार 17वीं बार सीरीज जीती है, घरेलू जमीन पर अपने रिकॉर्ड को बरकरार रखा है। इस सीरीज में सभी को उम्मीद थी कि बेसबॉल रणनीति में खेलने वाली इंग्लैंड की टीम से आक्रामक खेल देखने को मिलेगा, लेकिन भारतीय टीम ने सभी को गलत साबित कर दिया। हेड कोच राहुल द्रविड़ ने टीम के इस सीरीज में प्रदर्शन को लेकर भी बात करते हुए कहा कि मुझे इस टीम पर गर्व है। पहले टेस्ट मैच में हार का सामना करना जरूर निराशाजनक था, लेकिन उसके बाद हमने सीरीज में जिस तरीके से वापसी की है वो शानदार रही है। ये बात सही है कि सीरीज में हम अपने कुछ अहम खिलाड़ियों के बिना खेल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास इतनी प्रतिभा मौजूद है जिसके दम पर हम ऐसा करने में कामयाब हुए। युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन से मैं काफी खुश हूं। वहीं रविचंद्रन अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में कमाल का प्रदर्शन किया। अश्विन ने इस सीरीज के 5 मैचों में कुल 26 विकेट अपने नाम किए। इस सीरीज को जिताने में उन्होंने अहम भूमिका अदा की। पिछले एक दशक में टीम इंडिया के घर पर दबदबा कायम किया है। भारत ने आखिरी बार घर पर साल 2012 में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज हारी थी। पिछले 12 सालों में घर पर अश्विन टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े मैच विनर रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ 5वां टेस्ट मैच अश्विन का 100वां टेस्ट मैच था। इस मैच में अश्विन ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। अश्विन ने इंग्लैंड के खिलाफ 5वें टेस्ट मैच की पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 5 विकेट अपने नाम किए। उन्होंने साल 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट मैच में डेब्यू किया था। तब अपने डेब्यू मैच में भी उन्होंने 5 विकेट हॉल लिए थे। अश्विन 147 साल के टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में पहले ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने डेब्यू और 100वें टेस्ट मैच में भी 5 विकेट हॉल अपने नाम किए। टेस्ट में दमदार प्रदर्शन के बाद रोहित की नजरें अब जून में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2024 पर रहेंगी, जिसमें वो टीम इंडिया का नेतृत्व करते नजर आएंगे। पिछले साल वनडे वर्ल्ड कप में जीत के करीब आकर फाइनल में मिली हार ने रोहित शर्मा समेत पूरी टीम इंडिया और भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया था और ऐसे में वो जून में इस घाव को भरने की कोशिश करेंगे। तो उस वीडियो को लेकर क्या है आपकी राय कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर कर लें ताकि एक भी खबर मिस ना होने पाए।